नमस्कार, वेबदुनि समाचार में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ओम पुरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। बॉलीवुड में अपनी नायाब अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता ओम पुरी का शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से अपने घर पर निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। उनके परिवार में परित्यक्त पत्नी नंदिता और बेटा ईशान है। ओम पुरी ने अर्धसत्य आक्रोश सिटी ऑफ जॉय में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की। नंदिता ने कहा कि मैं अभी सदमे में हूँ, यह आश्चर्यजनक है। सुबह 6:30 बजे के बीच उनका निधन हुआ। वह रसोई के फर्श पर गिरे मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम पुरी के निधन पर शोक व्यक्त किया और साथ ही थिएटर एवं फिल्मों में उनके लंबे योगदान को याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पुरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ओम पुरी एक प्रतिभाशाली अभिनेता और सामाजिक रूप से जागरूक इंसान थे। भारतीय फिल्म जगत ने अपना एक स्तंभ खो दिया। आरोहण और अर्धसत्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता को 1990 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। हरियाणा के अंबाला में एक पंजाबी परिवार में जन्मे पुरी पुणे के भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से स्नातक थे। वर्ष 1973 में वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र भी रहे, जहां अभिनेता नसीरुद्दीन शाह उनके साथ थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और शानदार अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता ने वर्ष 1976 में मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल के साथ फिल्म जगत में अपना पहला कदम रखा। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक, फीचर फिल्मों से लेकर गंभीर कलात्मक फिल्मों तक उन्होंने कई बेहतरीन किरदार निभाए। उनकी मशहूर फिल्मों में भावनी भवाई, धारावी, गुप्त, धूप, युवा, डॉन, अग्निपथ शामिल हैं। हाल ही में वह सलमान खान द्वारा अभिनीत बजरंगी भाईजान और घायल वंस अगेन में नजर आए थे। पुरी को द 100-फुट जर्नी, सिटी ऑफ जॉय, गांधी, द रिलक्वेंट फंडामेंटलिस्ट, चार्ली, विल्सन्स वॉर और ईस्ट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिली। पुरी ने भारत एक खोज, मिस्टर योगी, कक्काजी कहिन, रिश्ते, आहट, सफर, सी हॉक्स, व्हाइट टीथ और कैंटरबरी टाइल जैसे टेलीविजन कार्यक्रमों में भी अपने अभिनय का जौहर दिखाया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। बाल यौन अपराध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, कौन है बच्चा स्पष्ट करें। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को दिया नर्सरी एडमिशन में पारदर्शिता बरतने का निर्देश। गुजरात में उत्तर प्रदेश से आ रही कार में 56 लाख की नकदी बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बड़गांव के माछू क्षेत्र में मुठभेड़ में लश्कर का शीर्ष आतंकवादी ढेर। उच्चतम न्यायालय ने बजट स्थगित करने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।